नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको गोरखपुर से बताते हैं, जहां पर परंपरागत होलिका दहन शोभा यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे हैं। वहीं बता दें कि पांडे हाता होलिका दहन उत्सव समिति वे द्वारा इस समारोह में आयोजन किया गया था, जिसमें हर साल किया जाता है और यहाँ पर विगत कई वर्षो से वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए आए हैं। और ये गोरखपुर की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह में शामिल हुए हैं और इस समिति से गोरखनाथ मंदिर का एक पुराना रिश्ता माना जाता है। साथ ही 1927 से इसका आयोजन होता चला आ रहा है और जो अभी तक अनवरत चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर के सदर सांसद थे, तब भी इस कार्यक्रम में वे आते थे और अभी भी दो बार से प्रदेश के मुखिया हैं, फिर भी वे समय निकालकर इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होने के लिए आते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समिति के लोगों से माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भक्त प्रहलाद की पूजा की है। फिर होलिका दहन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और धूमधाम के साथ भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस परंपरागत का निवहन सुबह के बता दें कि मुखिया योगी आदित्यनाथ करते चले आ रहे हैं और आज भी परंपरागत वे इस समारोह में शामिल होते हुए नजर आए। और इस दौरान ये समारोह की तस्वीर, उत्सव की तस्वीर, जहां काफी एक अलग माहौल, एक खुशी का माहौल देखने को मिला। गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक गोरखपुर के प्रमुख समाज सेवी इंजीनियर पीके मल जी, होलिका दहन समिति के हमारे पदाधिकारी गण, श्री संदीप शर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, उमा शंकर बटवा जी, वही लखनऊ में सीएम डिप्टी सीएम बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की है और साथ ही डिप्टी सीएम पावन पर्व पर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और ये तस्वीर बता दें कि डिप्टी सीएम और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे राजभवन, उन्होंने आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और साथ ही होली की शुभकामना भी देते नजर आए। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बता दें कि थाना कटहर पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी थाना कटहर के बता दें कि मुंडा पांडे में गौकशी के मुकदमे से वंचित है। दरअसल रात में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ही इस नाजिम को रुकने का इशारा किया था और इस दौरान बता दें इसके साथ ही जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। दोनों ने भागने की कोशिश की थी, पुलिस ने फायर किया और इस दौरान जवाब फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, जहां पर आरोपियों के पैर में गोली लग गई और इसमें मौके पर एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो है साथी है वो भागने में सफल रहा है। नाजिम के पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है और साथ ही मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सर, अभी एक ये मुठभेड़ का पूरा मामला रहा है, क्या पूरा मामला है, सर कौन है? देखिए, आज थाना कटघर क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नाजिम पुत्र नादिर नाम के व्यक्ति है, इनकी गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। और देवापुर से रुस्तमपुर के बीच में जो जाने वाला रास्ता, वहीं पे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान इनके ये दिखाई दिए और इनको पुलिस ने जो रोकने का प्रयास किया गया, तो इन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायर किया। इसी पर मुठभेड़ हुई और इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक 315 ओवर का तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और ये व्यक्ति है, ये थाना कटघर और थाना मुंडा पांडे दोनों जगह से वांछित थे और पहले गोकसी के मामले में, और इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। आज इनकी गिरफ्तारी की गई और एक व्यक्ति इनके साथ में था जो कि मौके से भागने में फरार हुआ, उसके लिए टीम उसको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।
मुरादाबाद जनपद के कोतवाली बिलाड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती गांव शेपुर मार्ग बता दे कि माफी की बिलरा देवी पत्नी धनी राम ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि मेरे बेटे राजीव नशे का आदि है, उसकी पत्नी सुमन 3 साल से बुलाने पर भी नहीं आई और वही 28 फरवरी को मेरे घर आई और मेरे साथ मारपीट की है, साथ ही मेरे अन्य बेटे पर उन्होंने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है जबकि मेरे दोनों बेटे पहले से ही विवाहित है। विमला ने कहना है कि वे षड्यंत्र करके मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और लगातार बता दे कि अपने बहू पर लगातार उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और इस दौरान अब पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है और क्या विमला देवी के परिवार को इंसाफ मिल पाता है, ये देखना अहम होगा। क्या नाम है? राजीव। कहाँ रहते हैं? शेर में माफी बिलारी। हाँ, तो जैसा कि आपकी पत्नी ने आपके परिवार के ऊपर बलात्कार के आरोप लगाए हैं, हाँ। क्या ये सही है? नहीं, झूठ है साहब। आपकी पत्नी आपके साथ कब से नहीं रह रही है? वही कम से कम मान लो 1-1.5 साल हो गया। हाँ, आप है, एक दिन रुका है, चली जाता है, वो रहती नहीं आपके साथ ना। तो अब कब आई थी? अब पता ना कब आए थे। मैं सुबह से पत्नी कब आई थी आपके पास? अभी तो 13 दिन हो गए, 2 दिन पहले आई, अभी फोन कर रही है, बुला रही है, मैं तो नहीं जाता भैया हम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब जब मान लो मैं थोड़ी जाता रहूँ वहाँ को सर, तो आपकी पत्नी आना नहीं चाहती? क्या जमीन नाम में कराओ, जमीन नाम में कराओ। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल आयुक्त से मिला और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंडल आयुक्त को पत्र सौंपते हुए कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई के किले के झंडा बुर्ज बता दें कि ब्रिज के नीचे किले की चादर दीवारी से सटा हुआ पार्क नगर निगम और झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड बनवा रहा है। उक्त पार्क भारतीय पुरातत्व एक्ट 1958 संशोधित 2010 के प्रावधान से विपरीत बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में किसी भी तरह के पक्के निर्माण्य पाथवे पर कोटा स्टोर लगाने की अनुमति नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक्ट 1958 संशोधित 2010 का उल्लंघन कर बिना उचित अनुमति लिए किसी भी तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि नहीं करवाना चाहिए, जिसको लेकर लगातार मंडल आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को पाथवे से कोटा स्टोन हटवाने को लेकर आश्वासन दिया है। मंडल आयुक्त जी से एक प्रतिनिधिमंडल बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का मिला, उन्होंने बताया कि डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा पार्क के सामने जो हाल ही में पार्क बनाया जा रहा है उसमें पाथवे में इन लोगों ने कोटा स्टोन लगाने का कार्य कर दिया। उस कोटा स्टोन पर मैं स्वयं फिसल के गिरा हूँ। मेरा उनसे कहना ये था कि जो ज़्यादा एज के लोग यहाँ आएंगे वो तो आएंगे सेहत के लिए, लेकिन जिन जिन के कूल्हे टूटे आएंगे वो तो कन्फाइंड टू बेड हो जाएंगे। मंडल आयुक्त जी ने हमारी पूरी बात सुनी और हम लोग को आश्वासन दिया कि अगर वहाँ कोटा स्टोन लगा है तो यथाशीघ्र वहाँ से कोटा स्टोन हटाने का हम कार्य करेंगे। पार्क पार्क के लिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि किसी को हम। बिजनौर में अपराधियों में भय और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बाइक रैली निकाली गई है और इस दौरान बिजनौर पुलिस ने अपने मुस्तैदी से बता दे कि प्रदर्शन करती हुई नजर आई और यह तस्वीर बिजनौर की जहां पर एक अद्भुत बाइक रैली निकाला गया है और आला अधिकारी के साथ सैकड़ों पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे हैं। साथ ही पुलिस लाइन बिजनौर से होते हुए बता दें कि जीजी चौराहे, शक्ति चौराहे, सिविल लाइन, डाका खाना आदि क्षेत्रों से ये रैली निकाली गई है। वही बदायूं में जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के निर्देश अनुसार जिला महिला चिकित्सालय में बता दें कि जिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम में पंचम दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत अनंता पर प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी बता दें कि रागिनी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने बताया है कि जीवन संघर्ष कैसे नौकरी ली उन्होंने और इस समय कोष्ठागार कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। इसी क्रम में पुलिस विभाग से महिला आरक्षी कुमारी मीनाक्षी और साथी सुलोचना की
भी कहानी कुछ इसी तरह है और माता पिता ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण उनको विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कैसी भी अपनी पढ़ाई को पुलिस में अपनी सेवा देते हुए नजर आई है। पढ़ाई को पूरा करते हुए पुलिस सेवा में वे अभी है और साथ ही रेणु जो कि स्वयं सहायता समूह द्वारा अपनी सेवाएँ दे रही है, जहाँ उनके परिवार वाले भी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया करते थे, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष करके स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इस प्रकार की संगीता जो कि आंगनबाड़ी केत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं ललितपुर में अवैध कारोबारियों पर खाद्य विभाग सख्त नजर आ रही है। दरअसल खाद्य विभाग ने अवैध चाय पत्ती फैक्ट्री में छापा मारा है और इस दौरान भारी मात्रा में अवैध चाय पत्ती और साथ ही बता दें कि उसकी पैकिंग भी बरामद की गई है। वहीं खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी में पार्किंग बता दें कि छापेमारी पैकिंग के दौरान दो मशीनों सहित पैकिंग का सामान बरामद किया है और भारी मात्रा में अवैध चाय पत्ती बरामद कर ली है। ललितपुर में खनन माफियाओं द्वारा भूमिधर और ग्राम सभा की बंजर जमीन पर जेसीबी मशीन चलाई जा रही है और लगातार खनन माफियाओं के यहां पर हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। और यह तस्वीर ललितपुर की, जहां पर बता दें कि खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर यह तस्वीर देखिए किस तरीके से ललितपुर में खुलेआम खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वे जेसीबी मशीन से अवैध खनन करते हुए सामने आ रहे हैं। वहीं होली के त्यौहार पर बता दें कि केमिकल युक्त रंगों से छुटकारा पाने के लिए जिला कारगर उरई के बता दें कि उरई में बंद कैदियों ने होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार किया है, जो कि इको फ्रेंडली के साथ साथ शरीर के लिए भी काफी अनुकूल है। और साथ ही योगी सरकार की इस पहल से जेल में बंद कैदियों को कौशल विकास के तहत आत्मनिर्भर बन रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश भर में बने कारगरों को कौशल विकास मिशन के माध्यम से कैदियों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जेल में कैदियों को विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। बुंदेलखंड की होली को और खास बनाने के लिए उरई जेल में बंद एक दर्जन से अधिक कैदी खास गुलाल बनाते हुए जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि जेल में औरत में सब्जियों को मिलाकर हर्बल गुलाल ये तैयार किया गया है। हर्बल गुलाल बनाने के लिए और रोट में पालक का पीसकर और साथ ही हरा रंग बनाया गया और इसी दौरान मेथी पीसकर हल्का हरा रंग बनाया गया है। साथ ही बता दें कि चुकंदर को पीसकर लाल रंग तैयार किया गया है और हल्दी पाउडर को पीसकर बता दें कि पीला रंग तैयार किया गया है। और इसके साथ ही होली के त्यौहार को लेकर कैदी अब हर्बल गुलाल बनाते हुए ये तस्वीर सामने आई है। राजधानी लखनऊ के भोजपुर समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुनाथ राय ने होली फागुना गीत और साथ ही फगुआ गीत और साथ ही जोगीरा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम लक्ष्मण मेला मैदान गोमती नदी तट से आयोजित किया गया, जहां पर एक दर्जन से अधिक लोग गायक और गायिका आए और जिन्होंने अपने अंदाज में फागुन की गीत और साथ ही जोगीरा गाते नजर आए। वहीं महिलाओं ने ताल से ताल मिलाया। देखिए, पूर्वांचल की होली तो गजब का है और बहुत ही गजब और अजब का जो है होली है और पूरे इतने जोशो खरोश से लोग तो नाली का पानी नहीं बचता है और गोबर मिट्टी से लेके बहुत ही धुरंधर जन्मा इसको कहते हैं। तो लखनऊ में भी हम लोग हैं, पूर्वांचल के काफ़ी संख्या है लक्ष्मण मेला मैदान में, जो छठ का पूजा होता है यहीं पर जो है भव्य और दिव्य कार्यक्रम होली का जो है सारे वो हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे सब भोजपुरी के कलाकार हैं। यूपी के उन्नाव में महिलाओं बता दें कि महिला की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन मोहल्ला स्थित किराए के मकान में महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या की गई। मकान मालिक ने घर का मेन गेट खोल कर घर के अंदर पहुँचा तो सनसा रह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना की सूचना पर एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के बाद से बेटी और एक युवक फरार बताए जा रहे हैं। रहने दो, अरे ठीक है, आ रही है, बहुत है।
सर, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंदर बंदुहार क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला, अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई है इस पर? थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना सुबह पुलिस को मिलती है। सूचना पाकर के तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचती है। अभी तक प्रारंभिक जांच में मृतका की बेटी और उसके प्रेमी के ऊपर अंदेशा बताया जा रहा है, क्योंकि कल रात में तीनों लोग थे और सुबह उनकी मृतका की डेड बॉडी मिली और जो बेटी और उसकी प्रेमी नहीं मिली, उसकी जांच की जा रही है। जो फिर टीम लोग पहुँच सके से एविडेंस कलेक्शन की है और भी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। जल्द ही इसकी जो भी आरोपी है उनका खुलासा किया। किस चीज़ से हत्या की? झांसी समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के आदर्शों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में समिति सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और बताया है कि रक्तदान ही महादान है। साथ ही उन्होंने होली के पावन पर्व पर संघर्ष सेवा समिति और प्राइवेट हॉस्पिटल में संयुक्त प्रयास कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति डॉक्टर संदीप सरावगी के निर्देश पर संघर्ष सेवा समिति और प्राइवेट हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर संदीप सगावगी ने सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर रक्तदान को बड़ी संख्या में समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा है कि रक्तदान करना जीवन का सबसे बड़ा महान दान है, क्योंकि हमारा छोटा सा छोटा दान किसी परिवार में खुशियां वापस ला सकता है। और बिजनौर में सड़क हादसे में साइकिल सवार किसान की मौत हो गई है। दरअसल अज्ञात वाहन में साइकिल सवार किसान को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं मृतक किसान बता दें कि छाछड़ी टिप के गंज खाद लेने जा रहा था और इसी दौरान सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।